हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था उसे एक्सप्लेन करने के लिए तीन अलग अलग टाइप के मॉडल दिए गए थे। ठीक है, उसमें सबसे पहला मॉडल था लिपोइडल मॉडल। लिपोइडल मॉडल दिया गया था ओवेटोन के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड से बनी हुई है। क्लियर है। सेकेंड जो मॉडल था वो था सैंडविच टाइप मॉडल, सैंडविच या ट्राइलेमिनर मॉडल। इस मॉडल के दो टाइप्स आते हैं, एक तो डेविसन डेनियली और एक रॉबर्टसन मॉडल। क्लियर है। इन्होंने क्या बताया कि पूरी सेल मेम्ब्रेन तीन लेयर में अरेंज है। ठीक है, समझ गए। अब वो देख लेंगे हम लोग, उसे क्लियर करेंगे कि तीन मेम्ब्रेन किस तरह से अरेंज है। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का मॉडल था वो था फ्लूइड मोजेक मॉडल, सेंगर निकोलसन ने दिया था 1972 में। ठीक है, जो अब तक का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है और इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब लिपोइडल मॉडल हम लोगों ने कल लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, वही निपटा दिया था। बच गए रॉबर्टसन, डेविसन डेनियली एंड सैंडविच मॉडल, सॉरी रॉबर्टसन मॉडल, डेविसन डेनियली और फ्लूइड मोजेक मॉडल, तीनों मॉडल बच गए। वो तीनों आज डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल में सबसे पहला टाइप डेविसन डेनियली मॉडल। क्लियर है, तो फर्स्ट है अपना डेविसन डेनियली मॉडल। तो देखो डेविसन एंड डेनियली मॉडल दिया गया था 1935 में। ठीक है, 1935 में इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया। तो देखो डेविसन डेनियली के मॉडल, पहली बात ये एक सैंडविच मॉडल था। ठीक है, ये एक सैंडविच मॉडल था, ये एक सैंडविच मॉडल था। क्लियर है। और इस सैंडविच मॉडल में उन्होंने बताया कि ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होती है सेल मेम्ब्रेन की। वो ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो देखो ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम लोग बनाएंगे लिपिड बाइलेयर, कि लिपिड बाइलेयर की इस तरह से अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर की अरेंजमेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट कि ये एक मोनोलेयर, इसी तरह से दूसरी लिपिड की बाइलेयर अरेंज है। ठीक है, इसी तरह से लिपिड की दूसरी लेयर, तो टोटल दोनों लेयर हो गई, इन्हें ही लिपिड बाइलेयर कहा जाता है। इनके अरेंजमेंट इस तरह से होती है। ठीक है, यानी ये बनाती हैं सैंडविच की पेटी बोलती हो जैसे, अंदर की फिलिंग्स। ठीक है, समझ गए, ये है लिपिड की बाइलेयर। और लिपिड बाइलेयर के बाहर जहां सैंडविच में ब्रेड लगती है उसी तरह प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था डेविसन डेनियली ने। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बताया था डेविसन डेनियली ने। क्लियर है, सेल मेम्ब्रेन का दोनों तरफ, आउटर साइड भी और साइटोसोलिक साइड भी। ठीक है, साइटोसोलिक मतलब साइटोप्लाज्म वाली, साइटोसोल वाली साइड, दोनों साइड ही इसी तरह लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर बताया था कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है दिखने में, किसका, सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, देखो इस स्ट्रक्चर की उन्होंने थिकनेस भी बताई थी कि ये जो प्रोटीन लेयर है, ये जो प्रोटीन लेयर है इसकी थिकनेस कितनी होती है, लिपिड बाइलेयर की थिकनेस कितनी होती है और नेक्स्ट प्रोटीन लेयर की थिकनेस कितनी होती है। ठीक है, तो पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या है, ये प्रोटीन लेयर है। ठीक है, प्रोटीन लेयर है। क्लियर, ये क्या है, ये लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट ये अंदर वाली प्रोटीन लेयर है, ये अंदर वाली प्रोटीन लेयर है। तो इन्होंने ये तो बताया था कि लिपिड और प्रोटीन दोनों की मिलकर के बनी हुई है, ओवेटोन की तरह नहीं कि सिर्फ लिपिड की बनी हुई है, बट अरेंजमेंट भी इन्होंने शो की, थिकनेस भी बताई। एफर्ट इन्होंने काफी अच्छा किया था। थिकनेस इन्होंने बताई कि एक प्रोटीन लेयर की थिकनेस होती है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो दूसरी की भी 20 एंगस्ट्रॉम होगी, यानी प्रोटीन लेयर की थिकनेस 20 एंगस्ट्रॉम बताई इन्होंने और लिपिड बाइलेयर की थिकनेस बताई 35 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो टोटल पूरी जो लेयर थी इसकी थिकनेस हम लोग कितनी बता सकते हैं, 20 प्लस 35 प्लस 20,
टोटल थिकनेस कितनी होगी सेल मेम्ब्रेन की डेवसन डेनियली मॉडल के हिसाब से? तो टोटल ऑल ओवर थिकनेस होगी 75 एंगस्ट्रोम, ठीक है 75 एंगस्ट्रोम। ये क्या है? ये है थिकनेस, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो डेवसन डेनियली ने बताई 75 एंगस्ट्रोम की थिकनेस होती है सेल मेम्ब्रेन की, क्लियर है। तो इस तरह की अरेंजमेंट बताई थी इन्होंने कि लिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है, लिपिड जैसे ये लिपिड का हेड है, ठीक है मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ये लिपिड का हेड है अगर तुम्हें अलग समझना हो तो, ये लिपिड हेड है ठीक है, और ये अंदर प्रेजेंट, अंदर की साइड ये प्रेजेंट है, ये टेल है, ये तो हो गया हेड, दोनों बाई लेयर में लिपिड हेड और लिपिड टेल, ऐसी अरेंजमेंट फॉस्फोलिपिड की होती है, हम लोगों ने डिस्कस की थी ना कल वाले लेक्चर में फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, तब पता चला था कि ऐसे हेड और टेल बनते हैं। तो ये तो लिपिड बाई लेयर है उसका हेड और उसकी टेल्स, और ये प्रोटीन लेयर है जो ऊपर और नीचे दोनों साइड से कवर करके रखती है, ये एक्सटर्नल साइड है सेल की और ये है सेल के अंदर की साइड यानी साइटोप्लाज्म वाली साइड। तो इस तरह की अरेंजमेंट देखने को मिली थी डेवसन डेनियली मॉडल में। तो डेवसन डेनियली मॉडल समझो 1935 में दिया गया था, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस 75 एंगस्ट्रोम बताई थी, अलग अलग थिकनेस भी क्वेश्चन बना करके पूछी जा सकती है, जैसे थिकनेस ऑफ प्रोटीन मेम्ब्रेन, दोनों प्रोटीन मेम्ब्रेन तो दोनों प्रोटीन लेयर की थिकनेस कितनी होगी, तो दोनों की टोटल मिला के 40 एंगस्ट्रोम हो जाएगी ना, 40 एंगस्ट्रोम, इस तरह से पूछी जा सकती है। एक लिपिड मोनोलेयर की थिकनेस कितनी होगी, तो 35 बाई 2 एक लिपिड मोनोलेयर की थिकनेस होगी, क्योंकि ये लिपिड बाई लेयर की थिकनेस है 35 एंगस्ट्रोम, समझ गए, अकॉर्डिंग टू डेवसन डेनियली मॉडल, ये भी एक सैंडविच मॉडल का टाइप है, समझ रहे हो। वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लेना, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। ये डेवसन और डेनियली का मॉडल था, फिर इसमें रॉबर्टसन ने क्या बताया, उसने भी सैंडविच मॉडल ही बताया एक तरह से, तो इस मॉडल में उसने मॉडिफिकेशन क्या की, क्या मॉडिफिकेशन की इस मॉडल में रॉबर्टसन ने, वो देखो क्या पॉइंट्स ऐड किए या क्या पॉइंट्स हटाए, क्या किस तरह की मॉडिफिकेशन रॉबर्टसन ने की, तब जाकर के उसने एक अलग मॉडल दिया था। तो देखो रॉबर्टसन ने क्या किया कि हाँ डेवसन डेनियली 1935 में देख करके चले गए, ठीक है, इसके बाद ये अपने काम लग गए और दुनिया चलती रही। फिर 1959 के अप्रोक्स एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है रॉबर्टसन, जिसका नाम है रॉबर्टसन। रॉबर्टसन क्या करता है, रॉबर्टसन देखता है कि हाँ इस टाइम एक दो ऐसे साइंटिस्ट थे डेवसन और डेनियली जिन्होंने ये बताया था। फिर इसके खुजली होती है, ये इसकी स्ट्रक्चर ढूंढने में लगता है, स्ट्रक्चर की डिस्कवरी करने में लगता है, देखता है चेक करता है तो इसे यही मिलता है, तो इसे पता चलता है कि आफ्टर ऑल डेवसन डेनियली सही थे, दोनों ने बढ़िया बात बताई। फिर ये सोचता है कि मैंने इतनी मेहनत की उसका क्या, जो बात मैंने पता लगाई वो बात तो डेवसन डेनियली पहले ही बता चुके थे, फिर मेरी मेहनत का क्या हुआ, मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसने क्या किया, अपना नाम देने के लिए जस्ट एक पॉइंट ऐड कर दिया इसमें, ठीक है कि हाँ भी मुझे भी याद रखा जाए ये मैंने बताया था, बट फालतू का पॉइंट था, कोई मतलब वाली बात है नहीं, ठीक है, फिर भी हमें पढ़ना तो पड़ता ही है क्योंकि इसने मेहनत की थी। तो इसने जो मॉडल दिया रॉबर्टसन ने वो दिया था 1959 में, ठीक है 1959 में। इस मॉडल में क्या बताया गया, पहली बात तो ये भी एक सैंडविच मॉडल है, ये भी एक सैंडविच मॉडल है, ठीक है। और इस सैंडविच मॉडल में बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर था इसको एक्चुअल में, इसके मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोला जाता है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ऐसा बोलने के पीछे रीजन ये है कि इसने क्या कहा कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर
टू दैट ऑफ देखिए सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है किसके, डेवसन एंड डेनियली मॉडल। इसने क्या कहा कि हाँ मैंने पता लगा लिया कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डेवसन डेनियली के जैसा ही होता है, तो भाई वो क्या अपनी जख्म मरवा के गए थे, उन्होंने भी तो यही बताया था ना कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तो तूने क्या उखाड़ा फिर अलग से। इसने यही कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू डेवसन एंड डेनियली मॉडल, ठीक है, एग्जैक्ट यही लाइन थी, डेवसन एंड डेनियली मॉडल, ठीक है। फिर इसने अपना एक पॉइंट ऐड कर दिया अपनी बात को ऊपर रखने के लिए कि द सेल, या मैं कहूं द मेम्ब्रेन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज, द मेम्ब्रेन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। इसने क्या कहा कि सेल तो है ही, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया कि डेवसन डेनियली के मॉडल जैसा था, पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ना वही सेम स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन का है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली उनका स्ट्रक्चर भी वही है, सेम स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर है उनका, ठीक है, ये बताया इसने। ये रॉबर्टसन ने इतनी मेहनत की जिसकी वजह से हमें ये पॉइंट पढ़ने पड़ रहे हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, क्या कर सकते हैं, बस इसने यही कहा कि डेवसन डेनियली ने ठीक कहा था, समझ गए। चलो, बहुत महान इंसान, महान साइंटिस्ट थे रॉबर्टसन। ये कंप्लीट होता है रॉबर्टसन मॉडल यहां, ठीक है, ये रॉबर्टसन मॉडल कंप्लीट होता है। इतनी मेहनत से इन्होंने जो दो डेफिनेशंस, दो पॉइंट्स हमें दिए वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, बेचारे रॉबर्टसन। अब नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं। यहां सैंडविच मॉडल खत्म होता है, ठीक है, यहां सैंडविच मॉडल एंड होता है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप के मॉडल पे, जो कि है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। थर्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, दो साइंटिस्ट थे, सेंगर एंड निकोलसन ने, सेंगर एंड निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कब दिया था, इन 1972 में दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अब तक का मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है, सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया जाने वाला, सबसे ज्यादा माने जाने वाला मॉडल है, ठीक है। इस मॉडल में इन्होंने क्या कहा, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज लाइक एक सेंटेंस दिया था इन्होंने कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखने में ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे प्रोटीन आइसबर्ग्स फ्लोटिंग इन सी ऑफ लिपिड, के लिपिड की समुद्र में प्रोटीन के आइसबर्ग तैर रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का।
इन्होंने क्या बताया, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, दिखने में ऐसा स्ट्रक्चर है कि लिपिड का समुद्र है जिसमें प्रोटीन के आइसबर्ग्स, ठीक है, प्रोटीन के टुकड़े तैर रहे हैं। समुद्र में आइसबर्ग तैरते हुए देखे ना, समझ गए, टाइटैनिक टकराई थी वो भी तो एक आइसबर्ग था, समझ गए। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है वैसी स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की होती है, जैसे लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के आइसबर्ग हिमखंड तैर रहे हो, ठीक है, समझ गए। चलो ये था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये तो अगर मैं कहूं कि डेफिनेशन है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, इन्होंने स्ट्रक्चर शो कैसा किया कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता कैसा है वो देखना है हमें, ठीक है, एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता कैसा है इस मॉडल के हिसाब से वो देखना है। तो चलो वीडियो को पॉज करना और नोट डाउन कर लेना इसे, ठीक है, वीडियो यहीं पॉज करना, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी पॉइंट से अपना फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्लियर होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन्होंने जो मॉडल दिया उसमें स्ट्रक्चर कैसा बताया इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा बताया। तो देखो जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया वो इस तरह का बताया कि ये तो लिपिड लेयर है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर है बट इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूजिंग होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। काफी बड़े बन गए, इन्होंने जो स्ट्रक्चर बताया था ना वो स्ट्रक्चर ही इम्पोर्टेंट है और इस मॉडल में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो स्ट्रक्चर समझ आ गया तो सेल मेम्ब्रेन समझ आ गई, ये मान लेना, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि लिपिड का समुद्र है, ठीक है, सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है, लिपिड का समुद्र है और उसमें प्रोटीन के आइसबर्ग तैर रहे हैं, ठीक है, लिपिड का समुद्र है उसमें प्रोटीन के आइसबर्ग तैर रहे हैं। ये हेड और टेल है लिपिड स्ट्रक्चर्स की, लिपिड बाइलेयर की, लिपिड बाइलेयर की हेड और टेल वाली स्ट्रक्चर्स है। स्ट्रक्चर ही इम्पोर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ इस मॉडल में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस मॉडल में सिर्फ स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। तो देखो इन्होंने क्या कहा कि लिपिड का समुद्र है जिसमें प्रोटीन के आइसबर्ग्स तैर रहे हैं, ठीक है, लिपिड का समुद्र है जिसमें प्रोटीन के आइसबर्ग तैर रहे हैं, प्रोटीन के आइसबर्ग तैर रहे हैं। प्रोटीन के आइसबर्ग तैर रहे हैं और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी रखते हैं, ठीक।
ठीक है, ये सारे हम लोग क्लियर करेंगे पॉइंट्स, बट एक बार समझो स्ट्रक्चर समझो सिर्फ। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको लेवलाइज कर लेते हैं, इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो देखो ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या होगी, ये तो है लिपिड बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर है ना, लिपिड बाई लेयर है। और इस लिपिड बाई लेयर के समुद्र में प्रोटीन के आइसबर्ग तैर रहे हैं। तो प्रोटीन किस किस तरह का होगा, तो देखो कुछ प्रोटीन तो ऐसे होंगे जो इस तरह बाहर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स तो ऐसे होंगे जो इस तरह बाहर प्रेजेंट होंगे। एक्चुअल में अगर मोर क्लियरिफाई करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के दिखेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें। तो देखो कई तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनकी पोजीशन के बेस पे डिफरेंशिएट किए गए हैं। पहला, जैसे इस तरह से ये बाहर प्रेजेंट प्रोटीन है, इन्हें कहा जाता है पेरिफेरल, पेरिफेरल या फिर एक्सटर्नल, पेरिफेरल या एक्सटर्नल प्रोटीन, पेरिफेरल या एक्सटर्नल प्रोटीन, क्लियर है। ठीक है, और ये जो प्रोटीन है जो अंदर तक धसे हुए हैं, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इस तरह से भी होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा ही अंदर प्रेजेंट हो गए, समझ गए, कुछ इस तरह के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को नाम दिया जाता है इंटरनल या फिर इंट्रांसिक, इंट्रांसिक प्रोटीन्स, इंटरनल या इंट्रांसिक प्रोटीन्स। देखो पेरिफेरल प्रोटीन साइटोप्लाज्म की तरफ भी होंगे और बाहर यहां आउटसाइड की तरफ भी होंगे, ये हैं एक्सटर्नल, एक्सटर्नल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन है ये। ठीक है, कुछ प्रोटीन ऐसे होंगे जो एक पूरा का पूरा रास्ता, पूरी की पूरी पाइपलाइन बना रहे होंगे सेल मेम्ब्रेन के आर पार इस तरह से, जिससे सॉरी मॉलिक्यूल्स पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, इन प्रोटीन्स को कहा जाता है टनल प्रोटीन, इन प्रोटीन्स को कहा जाता है टनल प्रोटीन। टनल होती है सुरंग, जो सुरंग बनाने वाले प्रोटीन होंगे टनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन्स है, क्लियर है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होंगे जो सिर्फ मेम्ब्रेन के आर पार प्रेजेंट होंगे, अक्रॉस द पूरी मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है उसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ऐसे प्रोटीन को नाम दिया जाता है, मैं यहां बताता हूं, इसका नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन,
ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है ये, क्लियर है। और ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही है ना, ये इस तरह के स्ट्रक्चर, ये धागे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ये स्ट्रक्चर्स हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, यानी ओलिगोसैकेराइड्स है, ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, क्लियर हो गया, समझ गए। तो फ्लूइड मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था फ्लूइड मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंग, जिसने वो सारे पॉइंट क्लेरिफाई किए जो पहले सैंडविच टाइप मॉडल और लिपोइडल मॉडल नहीं कर पाए थे, इसी कारण वो रिजेक्ट हो गए थे और ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। किस तरह के पॉइंट थे, तो देखो पॉइंट ये था वो जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पहला वो मॉडल फेल हुए थे एक्सप्लेन करने में कि इलास्टिसिटी किस तरह शो हो सकती है, मेम्ब्रेन इलास्टिसिटी कैसे शो करेगी, इलास्टिक नेचर कैसे शो करेगी मेम्ब्रेन, तो वो भी इन्होंने क्लियर किया, ठीक है, कि पूरी मेम्ब्रेन पे सिर्फ लिपिड नहीं है, बीच बीच में प्रोटीन भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, इलास्टिसिटी शो होगी। और वो फेल हो गए थे एक्सप्लेन करने में सेमी परमिएबल नेचर सेल मेम्ब्रेन का, उनके हिसाब से सेमी परमिएबिलिटी शो कर ही नहीं रही थी मेम्ब्रेन, जबकि हमें पता है सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। तो इन्होंने बताया कि प्रोटीन कुछ इस तरह के भी हैं जो आर पार हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं मटेरियल्स का, ठीक है, तो इस वजह से कुछ जो नेचर है सेमी इसका सेल मेम्ब्रेन का, सॉरी वो सेमी परमिएबल नेचर भी है, सेलेक्टिवली परमिएबल भी है ये, ठीक है, सेमी परमिएबिलिटी भी एक्सप्लेन होते हैं। तो दो ये दो मेन पॉइंट थे जो पिछले मॉडल फेल हो गए थे एक्सप्लेन करने में, और फ्लूइड मोजेक मॉडल ने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, इसीलिए इसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल माना गया है अब तक का, ठीक है। देखो मैं साइड हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लेना, डायग्राम इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है, वीडियो को पॉज करके डायग्राम नोट डाउन कर लेना, समझ गए। प्रोटीन दो तरह के, पेरिफेरल जो आउटसाइड में मिलेंगे और इंटीग्रल इंट्रांसिक जो अंदर की तरफ मिलेंगे, ठीक है, अंदर की तरफ धसे हुए होंगे। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और टनल प्रोटीन दो तरह के प्रोटीन स्पेशल होते हैं, लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है बाहर, ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट है थ्रेड लाइक मैनर में, ठीक है, समझ गए। ये इस मॉडल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन का, ये सेल मेम्ब्रेन थी, समझ गए, ये बताया था फ्लूइड मोजेक मॉडल में सेंगर और निकोलसन ने किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं, इसी के दो चार पॉइंट हैं वो नोट डाउन करके ये टॉपिक यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में मॉडिफिकेशन किस तरह की देखने को मिलती है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये अभी जो पॉइंट लिखने जा रहा हूँ ये फ्लूइड मोजेक मॉडल के ही हैं, स्ट्रक्चर के ही पॉइंट हैं सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो देखो क्या क्या पॉइंट्स होंगे, हम लोग बात कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स। देखो सेल मेम्ब्रेन में हमें पता है लिपिड प्रेजेंट है और लिपिड है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या करता है, तो मैं कहूंगा प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। यानी देखो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, द क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड यानी सेमी फ्लूइड जो नेचर है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्वासी फ्लूइड सब्सटेंस फॉस्फोलिपिड। क्वासी फ्लूइड नेचर का फॉस्फोलिपिड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शो करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का नेचर भी हम लोग क्वासी फ्लूइड नेचर बता देते हैं, समझ गए, क्लियर है। ये फॉस्फोलिपिड के प्रेजेंस के कारण था, ठीक है। फिर एक पॉइंट यहाँ थोड़ा सा स्पेशल है जो डिस्कस किया जाता है,
कि सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, कोलेस्टेरॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज अ रिजिड मॉलिक्यूल, एक रिजिड मॉलिक्यूल है एंड इट इज अ रिजिड मॉलिक्यूल, इट इज अ रिजिड मॉलिक्यूल विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी, विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी फ्लूइड कंप्लीट फ्लूइड नेचर की थोड़ी है, सेमी फ्लूइड फ्लूइडिटी होती है थोड़ी सी, सेल मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है बट थोड़ी सी रिजिडनेस भी होती है, वो रिजिडनेस है कोलेस्ट्रॉल के कारण, क्योंकि एक रिजिड मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है इसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन स्टेबल बनी रहती है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को, समझ गए। बट only in but only in eukaryotic cell but only in eukaryotic cell, ये तो सिर्फ eukaryotic cell में होगा, ठीक है, क्योंकि cholesterol eukaryotic cell में present होता है, तो फिर prokaryotic cells का क्या होगा, क्या उनके अंदर stability नहीं होगी, उनकी जो cell membrane होगी वहां stability नहीं होगी, होगी वो किस वजह से होगी, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो फॉस्फोलिपिड वाला समझ आ गया, कोलेस्ट्रॉल का समझ आ गया, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फॉस्फोलिपिड फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है और कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स में क्या होगा। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में क्या होगा, स्टेबिलिटी के लिए कौन सा कंपाउंड या कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। तो देखो बट इन प्रोकैरियोटिक सेल इंस्टेड ऑफ कोलेस्टेरॉल some special chemical substance named, जिसका नाम है होपेनोइड्स आर प्रेजेंट, होपेनोइड्स आर प्रेजेंट विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए। तो देखो यूकैरियोटिक सेल में जो काम कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल में वही काम होपेनोइड्स कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो देखो ये यहां तक इस लेक्चर में आज बस इतना ही, देखो इससे आगे के पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना क्या है कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो किस टाइप के हैं और क्या फंक्शन करते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करना है। हमने डायग्राम या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देखा है अभी, क्लियर थोड़ी किया उन्हें, तो उन्हें क्लियरिफाई करना है, नोट डाउन करना है, फिर हम सेल मेम्ब्रेन की कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, समझ गए, क्लियर है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, ओके, गुड बाय।